नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। आज आईपीएस विकास वैभव पटना पहुंचे, जहां उन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम के तहत युवाओं को प्रेरित करने का काम किया। क्या कुछ कह रहे हैं जरा एक बार आप सुनिए। फिर से उस पुरातन काल से प्रेरणा लेकर अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें, इस पर विचार करने का अभियान है लेट्स इंस्पायर बिहार। हर व्यक्ति अपने आप में प्रेरणा स्रोत है, पूरी ऊर्जा उसके अंदर समाहित है जो बिहार के पूरे भारत के भविष्य को बदलने की क्षमता रखती है। उसका एहसास कराना है और मिलकर उस ऊर्जा के साथ जो अच्छे लोग हैं जब जुड़ेंगे, साथ में कुछ आंशिक योगदान देंगे, निश्चित ही हम भविष्य के प्रति अपना कुछ योगदान दे पाएंगे। यही उसकी अवधारणा है जिसको हम लोग लेकर बढ़ना चाहते हैं। विकास वैभव, कई चुनौतियों का सामना आपने किया है और अब लोगों की समानता की आपने जो जिक्र की, इक्वालिटी की जिक्र की, ये कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? देखिए, मैंने जब काम किया तो मैंने देखा विरासत में बहुत शक्ति है। बघा में रहा, रोहतास में रहा, जब विरासत से लोग जुड़े तो जो समस्याएं दिखती थी कभी बदल नहीं सकती, पूरी तरह परिवर्तित हो गई। जहाँ अशांति का माहौल था, शांति हो गई और विकास हो रहा है। जब ये बात पूरे बिहार में, जिसका विरासत इतनी गौरवशाली है, हर युवा महसूस करेगा, उसके हिसाब से आपस में सहयोग की भावना के साथ कुछ योगदान करेगा, निश्चित ही जो माहौल है बदलेगा और जो भविष्य की कल्पना हम कर रहे हैं उससे बहुत आगे हम जाने की क्षमता रखते हैं और हम जाएंगे। सवाल तो ये है कि आखिर क्या कारण रहा जो बिहार, जो पहले का जो बिहार था, जो टैग था बिहार का, वो धीरे धीरे पिछड़ता चला गया और जो आपने इनइक्वालिटी की जो बात आपने जिक्र की वो होता चला गया और लोग बढ़ते चले गए। देखो, सोच की कमी हो गई कहीं ना कहीं। अगर आप देखेंगे जो हमारे पूर्वज थे, उनकी सोच बड़ी बड़ी थी। जब हम राजाओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि केवल क्षत्रिय तक सीमित नहीं थे, अन्य वर्ग के राजा जब प्रसिद्ध हुए, शक्तिशाली हुए, तो बिहार अपने आप शक्तिशाली हुआ। उस समय की बात है जब इतना कठोर जातिवाद की स्थिति थी, तब हम वैसे थे। ज्ञान की बात कर लीजिए, उपनिषद यहीं लिखे गए जिसको फ्री थॉट कहा जाता है ना, यूनिवर्सिटीज यहीं बनी। लेकिन आज कहीं ना कहीं मिसमैच है। तो मिसमैच अगर कहीं है तो घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना, चिंतन करना होगा क्यों ऐसा है। जब इतने बड़े पहले थे तो आज कोई कमी क्या है? पूर्वज के वही वंशज हम हैं, डीएनए वही है। एनर्जी कहाँ लग रही है उसको देखना होगा, ऊर्जा सही दिशा में लगे, एक साथ चले, निश्चित हम कुछ बदलेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि ये बदलाव के लिए शिक्षित और शिक्षा को जो ज़्यादा प्रायोरिटी देने की आवश्यकता है, और अभी फिलहाल जो बिहार है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में ज़रूर है शिक्षा व्यवस्था को लेकर? देखिए, तीन बिंदु हैं जिस पर हम लोग काम करना चाहते हैं मिलकर। शिक्षा, समता, उद्यमिता, एजुकेशन, इगालिटेरियनिज्म, एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छी शिक्षा का प्रसार हो, ज्ञान के हिसाब से लोग पढ़ें, मेहनत करें, परिश्रम करें, शॉर्टकट्स नहीं लें, अच्छे से परिश्रम करेंगे निश्चित अच्छे हम आगे बढ़ेंगे। सोशल वर्क, जो भी योगदान हम कर सकें एक साथ मिलकर समान भावना के साथ, वो हम करें। और एक एंटरप्रेन्योरशिप की फीलिंग कि अच्छा कोई व्यवसाय, अच्छा कोई उद्योग हम स्थापित करें, रोजगार स्थापित करें, किस प्रकार से हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, इस पर हम विचार करें। मिलकर जब संगठित होंगे निश्चित ही बदलेंगे। तो आपने आईपीएस विकास वैभव को सुना है, जो लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम के तहत अपनी बात को रखे हैं, किस तरीके से बिहार को आगे ले जाना है। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से पहले बिहार था, बिहार को अब उस तरीके से बनाना है, तो तमाम बातें उन्होंने कही है। लेट्स इंस्पायर बिहार वो मुहिम चला रहे हैं, तमाम युवाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शिक्षा और स्वास्थ्य की उन्होंने बात की है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। बिहार इन शॉर्ट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।